पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह तसर कीट पालन से हम अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं, और आइए इसी क्रम में जानते हैं कि इसके लिए पेड़ों की चुनाव और इसकी तैयारी कैसे करते हैं। रेशम कीट पालन भी हमारे लिए रोजगार का एक साधन है। जिस प्रकार आलू टमाटर जैसे फसलों के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसी तरह हमारे रेशम कीट पालन के लिए भी उचित जानकारी होना बहुत जरूरी है। तसर कीट पालन के लिए मुख्यतः अर्जुन और आसन पेड़ों को उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि रेशम कीट इन्हीं पेड़ों के पोषण पत्तों का सेवन करती है। रेशम कीट को पेड़ पे छोड़ने से पहले पेड़ों की अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी है, ताकि कीट का विकास अच्छे से हो सके। इन पेड़ों में कटाई छटाई तीन प्रकार की जाती है। सबसे पहले हल्की छटाई, जिसमें प्रत्येक साल पौधों की बायोमास के चौथाई भाग को छांटकर दूर किया जाता है। दूसरी गंभीर छटाई, जिसमें टहनी को 50% भाग को हटा दिया जाता है या एक साल बाद की जाती है। और तीसरी छोपन विधि, इसमें मुख्य तने के ऊपरी भाग को पूरा काटकर हटा दिया जाता है। पर ध्यान रखना होगा कि पौधों को हमेशा तिरछे ही काटना चाहिए और धूप पड़ने के उल्टी तरफ या उत्तर दिशा में इसकी कटाई होनी चाहिए। इसके बाद कटे हुए स्थान को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ध्यान रहे कि काटने समय तनों में दरार ना पड़े एवं छाल ना छूटे। कटे हुए स्थान पर गोबर और मिट्टी को मिलाकर लगा देंगे। अर्जुन या आसन के पेड़ों को कटाई छटाई का कार्य जनवरी से मार्च महीना में किया जाता है। तसर कीट को पेड़ों पर चढ़ाने से पहले पेड़ की तैयारी इसलिए जरूरी है, क्योंकि पेड़ों की कटाई छटाई करने से उसमें नए मुलायम रसदार और स्वस्थ पत्ते निकल आते हैं, जिससे तसर के छोटे छोटे कीट आसानी से एवं बहुत चाव से खाते हैं और उसके शारीरिक विकास काफी तेजी से होती है। साथ ही पेड़ों में पहले से रहने वाले दूसरे कीट जीव को भी खत्म करती है, जिससे तसर कीटों को शुरुआती दिनों में दूसरे जीव से बचाया जा सके और उसमें दूसरे प्रकार के वायरस से रोकथाम की जाए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशम उत्पादन में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अन्य कीट एवं रोगों से कैसी बचानी चाहिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार।